आज से 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसी को लेकर लालकुआ में क्षेत्रीय विधायक नवेंद्र चंद दुमका ने क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा कर उनके अनुभव पूछे। इसके बाद विधायक ने अस्पताल स्टाफ से भी चर्चा कर कहा कि इस समय जिनका टीकाकरण कराया जा रहा है, इसलिए उनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है, कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं, जैसे सेंट्राइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में, सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके पास डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर होगा। कोशिश यह है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर उसके कार्यक्रम पर बना रहे, ये भी उसी का हिस्सा है। अभी मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा कि पर्याप्त डोज यहाँ पर दे दी जाए, ताकि लोग दूर दराज से आते हैं उनके मन में किसी प्रकार का असंतोष न हो। अभी ठीक है। साथ ही विधायक ने टीके की पहली डोज लेने आए लोगों से कहा कि सभी को दूसरी डोज भी जल्द ले लेनी चाहिए और क्षेत्रों में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण को सुचारू रूप से चला रही है। साथ ही विधायक ने केंद्रों में पानी बिजली की समस्या को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट।